Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा है क्या? गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडियाज नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन चैनल प्लस अ पार्ट ऑफ आन अकेडमी. तो फाइनली आज की जो क्लास है ना, ये हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स से. बायो आपकी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है. अभी भी इसके बाद भी अगर बायो में कोई भी इशूज हो तो बता दीजिएगा. उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो क्वेश्चन है ना, वो अपन क्वेश्चन वाला जो सेगमेंट हुआ करेगा हर फ्राइडे वाला, उसमें कंटिन्यू कर लेंगे. अदरवाइज आप फिजिक्स वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और दो हफ्ते मैं लगाऊंगी आपका फिजिक्स करवाने के लिए, ठीक है? दो से ढाई हफ्ता लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स वाली जो चीज़ें हैं वो करानी है. बाकी डिटेल वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी आप जो 12 बजे की क्लास है वहाँ से आप कवर कर रहे हो. अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ. देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो आपका यहाँ पे 12 बजे वाली क्लास है, प्लीज़ करके अब उसे कर लीजिए, क्योंकि आपके NTPC के एडमिट कार्ड जो हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं. दो जोन के मेरे ख्याल एडमिट कार्ड जो हैं वो पूरा तैयार है, जल्दी से आने वाले हैं आपके एडमिट कार्ड्स. तो आप ये मान के चलिए कि तकरीबन टोटल आप मिला के ना आपके पास एक महीना है, ठीक है? अब इस एक महीने में कैसे अपना टाइम यूटिलाइज करना है वो आप देख लीजिए. अगर आप प्लस के हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ग्रुप डी की क्लास करने के लिए. लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब पे फोकस करें, उसी पे डिपेंड है ना, तो प्लीज़ करके इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार 12 बजे वाली जो क्लास होती है ना, 12 PM पे जो क्लास होती है यहाँ पे, वो क्लास आपकी ग्रुप डी की है. और उसमें अभी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुआ है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी की अभी वहाँ पे एक ही क्लास हुई है. आज वहाँ पे रेजिस्टर और रेजिस्टेंस की अपन बात करने वाले हैं. और कल को लेके ना कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन भी था. कल जो हमने 100 क्वेश्चन वाली सीरीज की है, उसमें से बिल्कुल आखिरी जो क्वेश्चन किया था ना 100, उसमें आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन था. तो एक बार ना प्लीज़ करके आप देखिएगा, ताकि वो सारे कन्फ्यूजन दूर हो. तो ये ऐसा हो जाएगा ना कि इलेक्ट्रिसिटी फिर अपने को यहाँ कराना नहीं पड़ेगा. मैं इलेक्ट्रिसिटी फिर यहाँ पर नहीं कराऊंगी इस वाली क्लास में, और बाकी सारे टॉपिक करा देते हैं, ठीक है? चलेगा इतना पार्ट. अब ये देखिए यहाँ पे, अब देखो डराओ मत क्या होता है, मतलब डराने का क्या बात है. अब आ रहा है एडमिट कार्ड तो आ रहा है, अवेयर करना काम है, तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे. ओके राइट, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. मैं पहले आपको बता देती हूँ, जब भी हम यहाँ पे फिजिक्स की बात कर रहे हैं ना, देखो फिजिक्स की जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, NTPC में भी फिजिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो सिंपली, जैसे कल हमने 100 वाले सीरीज जो थी उसमें किया था, आपको एक यूनिट डेफिनेटली पूछी जाती है. किसी भी चीज़ की एक यूनिट पूछी जाती है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यूनिट्स ध्यान से आंसर करना. कल हमने इलेक्ट्रिक पावर पूछा था, है ना? और उसमें सारे क्या बोल रहे हैं, किलोवाट आवर जो है ना, वो मतलब कमेंट्स में नीचे भी आप लिख रहे हो कि किलोवाट आवर होगा, गलत बताए. पहले प्लीज़ करके क्वेश्चन पढ़ा करो, और भगवान के लिए प्लीज़ एग्ज़ाम में भी ना क्वेश्चंस पहले पढ़ा करो आप लोग, ठीक है? देखते ही क्वेश्चन नीचे किलोवाट आवर, क्वेश्चन देख तो लो लिखा गया है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर लिखा हुआ है. और पावर जब हम लिखते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला V into I होता है, ठीक है? और जब V into I हम लिख रहे हैं, तो उसका वोल्ट एम्पियर जो है वो उसकी यूनिट होगी, या उसका फॉर्मूला होगा, उसके हिसाब से आपको ये देखना है, ठीक है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं. एक यूनिट आपको ज़रूर पूछी जाएगी, कुछ कुछ जो चीज़ें एग्जाम में आती हैं वो मैं बता रही हूँ आपको.
एक आपका डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब कोई भी आपको एक डेफिनेशन दी होगी और आपको पूछा होगा ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। जैसे चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स होता है, चेंज इन फोर्स, ऐसे करके आपका क्या आएगा। या पहला जो लॉ है न्यूटन का, उसने क्या डिडक्ट किया, या पहला लॉ को हम और क्या कहते हैं, तो हम पहले लॉ को न्यूटन के क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोला जाता है, इनर्शिया करके बोला जाता है यहाँ पे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे कि एक क्वेश्चन आपका डेफिनेशन बेस्ड आएगा, एक आपकी यूनिट यहाँ पे पूछी जाएगी, एक आपको न्यूमेरिकल आएगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से फोकस करके आप लोग को पढ़ना है। वन लाइनर फॉर्म में मैं आपको पूरा फिजिक्स जो है वो कंप्लीट करा रही हूँ, ताकि फैक्ट्स के साथ सीधा सीधा पॉइंट स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे आज की क्लास जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इतना चीज़ समझ आ गया, पहले ये बता दो, एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है, लेकिन कुछ जोन्स के एडमिट कार्ड बन के तैयार हैं और आपको कभी भी वो एडमिट कार्ड जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे अपलोड होना, तो उस टाइम पे हाथ पैर नहीं फुलाना, ठीक है। तो पहले आप इतना पढ़ लो जो सेगमेंट्स हैं, उसके बाद अपन जो है वो बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज़ें समझ आ रही है ना कैसे करना है यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे आगे इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम यूनिट्स की बात करें, क्योंकि फिजिक्स में अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपने को यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ना पड़ेगा, यानी कि मात्रक और मापन जो इकाई होती है ना, किस तरीके से हम यूनिट्स जो होते हैं ना उनको पढ़ते हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है, यूनिट्स की जो मेजरमेंट है या यूनिट्स जो होती हैं वो आपकी तीन तरीके से डिफाइन की जाती हैं। एक होती है आपकी CGS यूनिट, ठीक है, एक होता है आपका FPS यूनिट, बस ध्यान से यहाँ पे FPS यूनिट, राइट, और एक आपकी यूनिट जो होती है उसको हम MKS यूनिट बोलते हैं। तो तीन यूनिट्स होती हैं, CGS, FPS और MKS, राइट। जिसमें से अगर हम CGS बोले ना, तो ये आपकी कौन सी यूनिट है, फ्रांस के लिए बोला जाता है, ठीक है, ये फ्रांस में ओरिजिनेट हुई थी तो फ्रांस के लिए टर्म करते हैं, यहीं पे ये स्टार्ट हुआ था। FPS करके बोला जाए तो ये ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी, तो ये ब्रिटेन के लिए अपन टर्म करते हैं कि ब्रिटेन के लिए यहाँ पे इसको मतलब स्टार्ट ही है, FPS जो है वो ब्रिटेन में हुआ था। और MKS करके टर्म करते हैं तो ये अगेन फिर फ्रांस के लिए टर्म किया जाता है, फ्रांस में वापस इसको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया। अब यहाँ पे चीज़ें समझ आ रही हैं, जब भी हम CGS सिस्टम बोलते हैं तो CGS में सी क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है, जी क्या है, ग्राम है यहाँ पे, और एस सब में कॉमन है, ठीक है। तो टाइम की सबसे छोटी इकाई जो हम लेते हैं, आपको एग्जाम में पूछा जाए कि टाइम की सबसे छोटी इकाई या टाइम की इकाई क्या होती है, आप सिंपली उसमें क्या लिखोगे, सेकेंड करके आपको मेंशन करना है। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड करके बोला। अब आपको FPS पूछा जाए तो FPS में F क्या है, यहाँ पे फुट करके बोलते हैं, दैट इज लंबाई को नापने की जो इकाई होती है। अब ये सेंटीमीटर है, फुट है, मीटर है, ये हम किसके लिए टर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम किसके लिए टर्म कर रहे हैं, लंबाई के लिए। तो लंबाई को या तो सेंटीमीटर में नापा जाएगा या फुट में नापा जाएगा, ठीक है, या फिर एम में अगर हमने बोला तो हम इसको मीटर में भी नाप सकते हैं। अगर हमने पी के लिए टर्म किया तो पी क्या, अब फुट के साथ आपकी जो इकाई है वो क्या आएगी, पाउंड जो है वो हम इसकी इकाई बोलते हैं। फुट के लिए मतलब फुट के साथ आपको पाउंड जो है वो ऐड करना है यहाँ पे, वेट जब हम नाप रहे किसी चीज़ का, तो वेट आपका कैसे हो सकता है, आप कोई भी चीज़ बाजार से लेके आते हो तो या तो ग्राम में होती है या पाउंड में होती है या फिर किलोग्राम में होती है। तो MKS सिस्टम में हमारा क्या हो गया, किलोग्राम करके हो गया। और टाइम सब में सेम रहेगा, मतलब टाइम की जो इकाई है वो आपकी हमेशा सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेकंड्स करके। पहले ये बता दो, पहला पार्ट समझ आ गया। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहली चीज जो चीज़ आपको पढ़नी है वो ये है, दैट इज CGS, MKS और FPS, राइट। CGS में क्या हो गया, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। FPS में क्या हो गया, फुट, पाउंड और सेकंड, राइट। फ्रांस में क्या हो गया, मतलब फ्रांस में MKS जो डिराइव हुआ है वो मीटर, kg और सेकंड। पहले चीज़ ये बता दो, इतना चीज़ समझ आ गया, राइट। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ें देखो, जब भी हम क्वांटिटीज़ की बात करते हैं ना, तो क्वांटिटीज़ आपकी मेजर की जाती हैं SI यूनिट के हिसाब से। देखो पहले तो दो तरीके की आपकी क्वांटिटीज़ हैं, एक होती है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी कि मूल इकाइयाँ जिनको बोला जाता है, क्या बोलते हैं,
मूल इकाई जो होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, मात्रक होती हैं, लेकिन मैं मूल इकाइयां करके लिख रही हूँ यहाँ पे, जो आपकी बेसिक यूनिट्स होती है ना, मूल करके फंडामेंटल बोला। दूसरा जो है ना वो आपकी कौन सी होती है, डिराइव्ड, ठीक है, डिराइव्ड बोलो आप या फिजिकल क्वांटिटीज करके बोलो यहाँ पे, तो उस पॉइंट से हम क्या बोलते हैं, आपकी यहाँ पे दूसरी वाली जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, डिराइव्ड, जिनको मूल इकाइयों से ही डिराइव किया गया है, तो उस तरीके की इकाई को हम क्या बोलते हैं, मूल इकाई जो है उन्हीं से डिराइव करके जो बनाई गई है। तो ये बेसिकली दोनों चीज मिला के क्या होगी, आपकी यूनिट्स, ठीक है, सिंपल यूनिट्स करके हम बोल रहे हैं। अब जो फंडामेंटल है ना, जो मैं यहाँ पे मूल या फिर जो फंडामेंटल करके लिखा, फंडामेंटल वर्ड का मतलब आपको समझ आता है, फंडामेंटल मतलब बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल मूल, जिस चीज को आप किसी और फॉर्मूले से लगा के निकाल नहीं सकते हो। जैसे कि मैंने आपको सिंपल बोला लेंथ है, ठीक है, लंबाई है, मैंने आपको यहाँ पे लेंथ करके बोला, तो मुझे आप बताओ कि लेंथ को निकालने का कोई फॉर्मूला है आपके पास? सिंपल सी समझो, आप इन चीज़ों को रटते हो, रटना नहीं है आपको, ठीक है। डिराइव्ड को हम यहाँ पे भौतिक भी बोलते हैं, लेकिन एक बार आप सुनो, देखो मूल इकाई या फंडामेंटल बोला तो चीज़ें ना रटनी नहीं है, मैंने बोला लेंथ, ठीक है, तो आप ये बताओ लेंथ का कोई फॉर्मूला है आपके पास? एरिया का फॉर्मूला है आपके पास, आपके पास किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। पर क्या लेंथ निकालने का कोई फॉर्मूला है? नहीं है ना, तो आप लेंथ याद रखिएगा, सबसे पहला लेंथ किस चीज़ से? मीटर जो है ना उसकी सबसे छोटी इकाई, राइट। अब दूसरा देखो मास, मास निकालने का आपके पास कोई फॉर्मूला है? नहीं है। कुछ ऐसी इकाइयां होती हैं जिनको निकालने के लिए आपके पास कोई और फॉर्मूला नहीं होता, इनफैक्ट वो सबसे बेसिक चीज़ है, तो मास है। अब फोर्स को तो आप निकाल सकते हो, बल आप निकाल सकते हो फोर्स को, मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्यमान और त्वरण, लेकिन खुद मास को निकालने का कोई फॉर्मूला है? कुछ भी नहीं है ना, तो मास आपका क्या बोला जाएगा यहाँ पे? किलोग्राम करके उसको हम मेजर करेंगे, ठीक है, किलोग्राम हो गया। अब लेंथ हो गया, मास हो गया, तीसरी चीज़ आप बताओ, टाइम करके बोला, समय, समय का कोई फॉर्मूला है निकालने का? नहीं। आप स्पीड का फॉर्मूला निकाल सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, लेकिन आप टाइम से कोई और टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हो ना। टाइम के लिए मैंने आपको बताया सबसे छोटी इकाई क्या? सेकंड्स, पूरा लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, सेकंड्स करके टर्म किया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर का निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसका मेजरमेंट होता है और उसको हम नापते हैं केल्विन में। ये ग्रुप डी में और जेई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर जो है उसको किस इकाई से नापते हैं? तो केल्विन आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आपको पूछा हुआ है, तो टेम्परेचर करके आप लोगों को याद रखना है, जो कि आपकी चार फंडामेंटल हो गया ये। आगे देखिए यहाँ पे और भी जो आपकी फंडामेंटल इकाई होती है। अब नेक्स्ट कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट करके याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट करके अपन बोलते हैं, तो करंट जो है ना वो भी फंडामेंटल इकाई होती है। हम और भी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं करंट से, लेकिन करंट को किसी और चीज़ से डिराइव नहीं कर सकते हैं, तो करंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ए, एम्पियर करके आप लोगों को याद रखना है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। अब ल्यूमिनस इंटेंस, बाकी सबका हिंदी आपको पता है, लेंथ लंबाई, मास द्रव्यमान, टाइम समय हो गया, टेम्परेचर तापमान हो गया, इलेक्ट्रिक करंट बोला तो विद्युत धारा करके हम बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता। और इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? कैंडेला। अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी आपको, कैंडेला किसकी इकाई होती है या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? कैंडेला करके आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट है, पदार्थ की मात्रा कितनी है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर अगर आपको पूछा जाए तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? मोल जो है करके आपको याद रखना है, और मोल की जो इकाई होती है ना उसमें मोल पूरा नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? खाली एम ओ एल करके लिखते हैं, ई जो है ना वो नहीं लगाते हैं यहाँ पे, तो वो पॉइंट पूरा याद रखिए। पहले आप ये बताइए सात की सात फंडामेंटल जो इकाई हैं वो समझ आ गई आपको? लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर करके जिसको हमने टर्म करा, तो मोल जो है ना वो बोला जाता है, ठीक है। अब देखो आप ना पढ़ाई पे ध्यान दो, आप लोग इस पे मत ध्यान दो कि आपका एग्ज़ाम कब है, क्योंकि अब क्या है ना, अब आपको क्या है,
अब जितना जल्दी हो सके आप चीज़ों को वाइंड अप करना स्टार्ट करो, इसीलिए क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट कराई है ताकि आप चीज़ों को ना वाइंड अप करना स्टार्ट करो और थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस स्टार्ट करो चीज़ों को लेके, है ना। फिजिक्स साथ साथ में करते रहो और बाकी चीज़ें भी वाइंड अप करो, जो आपके और भी सब्जेक्ट हैं उनको भी वाइंड अप करो। इतना चीज़ समझ आया। अब इसके आगे देखो, दो इकाई आपकी और भी होती हैं जो कभी कभार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, जैसे कि आपकी एक अभी पीछे जेई का जो पेपर हुआ है ना, उसमें कभी वैसे पूछते नहीं थे, लेकिन जेई का जो पेपर हुआ है उसमें ये दो इकाई और भी पूछ ली थी। जैसे देखिए, एक होता है हमारा प्लेन एंगल, समतल कोण जिसे बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है सॉलिड एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठोस कोण करके बोला जाता है। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ संग संग लिखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, फिर हमारा फिजिक्स कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। मैं इंग्लिश में वर्ड्स लिख रही हूँ और उनको एग्जैक्टली हिंदी में भी बताऊँगी, ठीक है। तो प्लेन एंगल क्या, समतल कोण जिसे बोलते हैं, सॉलिड एंगल क्या, ठोस एंगल हो गया, इसकी इकाई क्या होती है, तो आप रेडियन करके याद रखोगे, ठीक है, रेडियन। और इसको इन शॉर्ट क्या लिखा जाता है, RAD, रेडियन को RAD करके लिखते हैं। सॉलिड के लिए यहाँ पे टर्म किया, तो सॉलिड एंगल की क्या होती है, स्टर्डियन, क्या होती है, स्टर्डियन करके आप लोग याद रखोगे, जिसको हम इन टर्न लिखते क्या है, SR करके लिखते हैं, ठीक है। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल बोला तो रेडियन, सॉलिड एंगल बोला तो स्टर्डियन, याद रहेगा। सिंपल एग्जाम में पूछेंगे प्लेन एंगल की इकाई बताओ, सॉलिड एंगल की इकाई बताओ, तो स्टर्डियन करके आप वहाँ पे लिखोगे, चलेगा इतना चीज़। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कंटिन्यूसली इसी चीज़ को एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, तो देखो अब यहाँ पे जब भी आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया ना, अब आपको जो चीज़ समझनी है वो है आपका स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी करके अपन टर्म करेंगे, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर को हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि, ठीक है, स्केलर को क्या बोलते हैं, हम अदिश राशि, और वेक्टर को क्या बोलते हैं, हम सदिश राशि, क्या बोलते हैं, सदिश राशि। पहले जस्ट इनको समझते हैं कि होते क्या हैं, फिर आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ। देखो, पहली चीज़ तो याद रखना, वेक्टर लिखा है ना, वेक्टर में वी होता है, तो वेक्टर उस तरीके की क्वांटिटी है, उस तरीके की मात्रा है जहाँ पे दो चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज़ें पता होना चाहिए हमको, जिसमें से पहली चीज़ हमारी क्या होती है, मैग्नीट्यूड, क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज़ हमारी क्या होनी चाहिए पता हमको, डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने बोला तो क्या पता होना चाहिए अपने को, दिशा पता होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड कोई आपको बोले ना तो आपको नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर आपको बोले तो कोई आपको पता होना चाहिए नंबर, लेकिन जब भी हम स्केलर की बात करते हैं ना, तो स्केलर में खाली आपको मैग्नीट्यूड पूछा है, आपको डायरेक्शन नहीं दी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, आप उसके हिसाब से बताना कि कौन सी चीज़ इसमें स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। देखो, एक एग्जांपल है ए और एक एग्जांपल है बी, राइट। कोई भी पर्टिकुलर लड़का है, जैसे राम है, वो ए से बी पे जा रहा है ना, हमने बोला कि राम 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, राइट, ए। आप दूसरा पॉइंट हम बोल रहे हैं कि राम जो है ना वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, और वो जा कहाँ पे रहे, साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो साउथ जो दिशा होती है उसमें जा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, ए या बी करके आपको बताना है, जस्ट ये एग्जैक्टली। आप इसको ऐसा भी लर्न कर सकते हो, डायरेक्शनल लेस या फिर डायरेक्शन, ऐसे करके कुछ याद रख सकते हो, पर मेरे ख्याल इत सिंपल रखते हैं तो ज़्यादा होगा, क्योंकि पेपर में जब एक जैसे वर्ड्स हम लर्न करते हैं ना तो अपने को हो जाती है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, राइट। तो स्केलर एंड वेक्टर करके टर्म किया जाएगा, तो स्केलर क्वांटिटी आपकी कौन सी होती है, आप इसमें से बताइए, ए और बी में से कौन सी स्केलर होगी और कौन सी वेक्टर होगी। बी वेक्टर होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो ना, आपको सिंपली ये आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन दी है कि नहीं दी है। अब लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जहाँ पे ना आपको डायरेक्शन दी ही नहीं जा सकती, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है मेरे थर्मामीटर में, तो आप बताओ मैं इसको डायरेक्शन दे सकती हूँ क्या। 30 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है थर्मामीटर के अंदर,
तो किस दिशा में हो रहा है? अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे पास एक टेम्परेचर है 30 degrees, रूम का टेम्परेचर है, तो मैं क्या बोलूंगी? साउथ में हो रहा है, नॉर्थ में हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है या वेस्ट में हो रहा है? इस पूरे रूम का टेम्परेचर ही 30 degrees centigrade है। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जहाँ पे हम लोग क्या है ना, जहाँ पे हम लोग क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते हैं या उसको हम दिशा दे ही नहीं सकते हैं। जिन चीज़ों में दिशा नहीं दी जा सकती है उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी करके बोला। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, टेम्परेचर समझ आ गया, बहुत सारे एग्जांपल हैं, धीरे धीरे करके इसको नोट करते रहिएगा या यहाँ पे लिखते रहिएगा आप लोग, क्योंकि कई बार जो है ना वो अपने को जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। अब आप इनको रटोगे नहीं, जो लोग रटते हैं ना उनका तो वैसे भी फिर पेपर में जाके गड़बड़ हो जाता है, तो रटनी नहीं है। यहाँ पे सिंपली मैं आपको कुछ वैल्यूज़ लिख के दे रही हूँ, मेरे साथ साथ आप लर्न करो। सबसे पहले मैंने आपको तापमान ही बोला था तो मैं टेम्परेचर लिख रही हूँ, ठीक है? टी से तापमान, टाइम, समय, समय 5 बज रहे तो 5 घड़ी में बचते हैं, ना कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना। मैंने वॉल्यूम बोला, एक लीटर किसी दिशा के लिए मोहताज, एक लीटर किसी दिशा का मोहताज नहीं होता, ठीक है? एक लीटर का मतलब एक लीटर ही होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे वॉल्यूम बोला हमने, स्पीड बोला, अब स्पीड 30 km/h है ना, तो वो है, चाहे वो साउथ में चले, नॉर्थ में चले, ईस्ट में चले या वेस्ट में चले, वो 30 km/h की स्पीड से चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है? स्पीड हुआ, द्रव्यमान हुआ, मास क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, चाहे मून पे चले जाओ चाहे धरती पे ही रहो, मास उतना ही रहना है अपना, है ना? तो मास हो गया, जबकि वेट जो है वो आपकी, अब इसमें कुछ वैसी भी आएंगी जो यहाँ पे कुछ और वहाँ पे कुछ और। डिस्टेंस बोला, ठीक है, दिशा हमने बोला तो आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। टेम्परेचर हमने लिख दिया ना, टेम्परेचर हो गया आपका। एंट्रोपी बोला मैंने, हीट रिलीज हो रही है, मैं इसको सिंपली लिख रही हूँ, ऊष्मा रिलीज हो रही है किसी भी चीज़ में से, तो ऊष्मा जो रिलीज होगी आप बताओ वो किसी डायरेक्शन में रिलीज होगी? वो वहीं के वहीं रिलीज होगी, ठीक है? एनर्जी है आपके अंदर, एनर्जी है तो वो है, चाहे साउथ में जाओ चाहे कहीं पे भी जाओ, एनर्जी के साथ। प्रेशर, प्रेशर है वो भी किसी भी दिशा में होगा, चलेगा। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, अब आप बताओ आपने कभी भी इन चीज़ों पे दिमाग लगाया है? नहीं ना, किताबों में जो लिखा होता है आप उसको रट के बैठ जाते हो, और जब पेपर में चीज़ें आती हैं तो आप बोलते हो कि किताब में था ही नहीं। इनजस्टिस अपने साथ कर रहे हो आप, चीज़ों को सोचो फिर लर्न करो। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इनमें दिशा होती है क्या? नहीं होती है, इनमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, ये याद रखिए। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी मैंने बोला, मैंने पावर बोला, जब मैं एनर्जी बोल रही हूँ तो पावर भी मैं किस में लिखूंगी? यहीं पे लिखूंगी। अब लाइट चैप्टर हम कर रहे हैं ना ऑलरेडी दूसरी क्लास में, मुझे बताओ आप पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज लिखते हैं, क्या उसमें कोई भी दिशा है क्या? नहीं है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट का फ्लो हो रहा है, एक जगह पे कम है दूसरी जगह पे ज़्यादा है। अब कल को आपको पूछ लें कि पोटेंशियल डिफरेंस अदिश राशि है या सदिश राशि है, आप पहले 10 बार ये सोचोगे ये भाई हमें कराया ही नहीं टीचर ने, ये हमें बुक में मिला ही नहीं। पर मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये चीज़ें रटनी नहीं है, आपको ये चीज़ें समझनी है, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने लिखा, इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर करंट मैंने बोला, सिंपली मैं यहाँ पे आपको करंट लिख के दे रही हूँ, तो करंट आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं। करंट फ्लो होना अलग बात होती है, लेकिन करंट जो है ना वो आपका किस डायरेक्शन में फ्लो रहा है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा। अब ये देखो, एक तो वाला कॉन्सेप्ट आप हटा दो कि वहाँ से जितनी चीज़ें होंगी वो आपकी सारी की सारी ऐसे करके, ये वो लोग लर्न करते हैं जिनको अपनी इंटेलिजेंस पे थोड़ा भी शक होता है, ठीक है? तो उस फेवर में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं डे वन से ही नहीं हूँ उस फेवर में, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। शॉर्ट ट्रिक्स ना वो लोग यूज़ करते हैं जैसे वाह वगैरह ये वाली, जिनको थोड़ा भी ये है कि हम चीज़ों को लर्न नहीं कर पाएंगे। समझो चीज़ों को, समझो, ठीक है? आप किसी भी ब्रांच के हो पर ये चीज़ें जो है ना वो आप अच्छे से समझ सकते हो। अब वहीं पे अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी देखो, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, दिशा देके बताया जाता है, ठीक है? वेलोसिटी है, स्पीड नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम जब वेलोसिटी, वेग हम बोल रहे हैं, ये क्या है आपका? ये बस फॉर्चुनेटली मैच कर गई ये चीज़ें कि वाह वाली जो चीज़ें हैं वो सब आपकी वेक्टर हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चीज़ें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो वाह से ना शुरू होते हैं ना ख़त्म होते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग है। तो वेक्टर क्या हो गया? जिसमें हमने डायरेक्शन दे दिया, ठीक है, हमने मोमेंटम बोल दिया, हमने संवेग बोल दिया, ठीक है? अब संवेग तो सा से शुरू हो रहा है ना, अब आप बोलोगे बीच में वाह आ रहे हैं,
कुछ भी मतलब ऐसे वेट बोला मैंने, वजन हमने भार बोला, अब वेट को वजन बोला ही नहीं जाता, वेट को ना भार बोला जाता है अगर हम हिंदी की बात करें। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखो मैंने बोला यहाँ पे कि पर्टिकुलरली सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको पूछ रही हूँ, आप बताना। टेम्परेचर मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर टेम्परेचर लिखा था, टेम्परेचर अदिश राशि है ठीक है, लेकिन मैंने बोला टेम्परेचर का अचानक से इंक्रीज होना ठीक है, या टेम्परेचर का डिक्रीज होना राइट, ये क्वांटिटी क्या है ये बताओ आप। टेम्परेचर तो आपका हो गया यहाँ पे सदिश राशि है ना, लेकिन टेम्परेचर अदिश राशि हो गया आपका, लेकिन टेम्परेचर का घटना और टेम्परेचर का बढ़ना ये कौन सी राशि होगी बताना एक बार, एग्जाम में पूछेंगे आपको, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना वो आपने रट के बैठे हुए हो कि टेम्परेचर जो है वो हमारी अदिश राशि होगी, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर भी क्या लिखोगे, अदिश ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा वो एल्टीट्यूड पे जाने की वजह से बढ़ेगा, या एल्टीट्यूड से जितना हम सरफेस ओशन सरफेस की तरफ जा रहे हैं वो यहाँ पे क्या होगा, वो डिक्रीज और इंक्रीज होता रहेगा। जब आपको बोल दिया कि एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि आपको बता दिया ना कि आप ऊपर में गए हो, दिशा आपने बदल दी है, तब टेम्परेचर आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ठीक है। ये क्वांटिटी आपकी वेक्टर बोली जाती है ठीक है। अब जो रटेंगे वो अदिश राशि लिखेंगे, जो समझेंगे वो सदिश राशि लिखेंगे। टेम्परेचर क्या हो गया, ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी करके ठीक है। अब यहाँ पे और भी आपके एग्जांपल होते हैं, जैसे अलग से कुछ एग्जांपल अगर हम बोलें तो फोर्स मोमेंटम तो पता है, फोर्स भी हो गया, फोर्स भी आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी करके हम बोलते हैं। अब देखो थ्रस्ट बोला, थ्रस्ट बोलते हैं है ना, थ्रस्ट बोला या लिफ्ट हमने बोला, लिफ्ट के अंदर कोई पर्सन है या लिफ्ट का अगर हमें एग्जांपल देना हो तो ये क्या रहेगा हमारा, लिफ्ट जो होती है ना वो क्या रहेगा, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी रहेगा ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी करके हम टर्म करेंगे, तो सिंपली एक बार स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की आप लोग को याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किस तरीके से याद रखनी है। सिंपल से मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ, ये सारी यूनिट्स आप लिखिएगा, वीडियो पॉज करके दोबारा से लिख लीजिएगा यहाँ पे, ताकि आपको सारी चीज़ें ना क्लियरली मेंशन हो ठीक है। अगर आपको बोला कि 30 डिग्री टेम्परेचर जो है ना 30 डिग्री सेंटीग्रेड साउथ में है अभी आज की डेट में ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन बोला कि 30 क्या है राइट तो ये आपकी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, क्या है डायरेक्शन तो नहीं दी, ये किस तरीके की क्वांटिटी आपकी, स्केलर ठीक है। अगर बोला 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी साउथ में जा रही है ठीक है, साउथ डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो सिंपली क्वेश्चन देखिए और देखिए वहाँ पे क्या पूछा हुआ है। स्केलर के लिए हम टर्म करें, अदिश राशि बोलें, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर दिए होंगे, मैग्नीट्यूड दिया होगा लेकिन दिशा नहीं दी होगी ठीक है। वेक्टर के लिए हम बोले तो वहाँ पे नंबर भी दिए होंगे यानी कि मैग्नीट्यूड भी दिया होगा, और साथ में डायरेक्शन यानी कि जो दिशा होती है ना वो भी यहाँ पे दी होगी। तो ये पूरा पार्ट जो है वो अपने को याद रखना है ठीक है। तो समझ आ गया ये इतना चीज़, पहले आज इतना पार्ट आप रिवाइज कर लो ताकि ज़्यादा हौच पौच ना हो, क्योंकि कई लोग ये टॉपिक पहली बार ही पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में मैं आपको मोशन वाला जो चैप्टर है ना वो स्टार्ट करा लेंगे यहाँ पे ठीक है। मोशन गति शॉर्ट में करेंगे तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, और एकदम सिंप्लीफाइड वे से करेंगे ठीक है, जैसे कि आप ही गाड़ी चला रहे हो और आप ही चल रहे हो है ना, उस तरीके से यहाँ पे। तो कल की क्लास में मैं आपको मोशन वाला जो चैप्टर है वो आज करा दूँ, वो कंप्लीट करा दूँगी। आज पहले जितना है उतना पार्ट जो है ना वो रिवाइज करिए आप लोग ठीक है, बिल्कुल डोंट वरी, अगली बार चंद्रयान पे वीडियो बना देंगे, क्या दिक्कत है ना। ओके राइट, लिफ्ट आपका वेक्टर क्वांटिटी, लिफ्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है ठीक है। तो कल की क्लास थर्स्ट वगैरह ये फिजिक्स में आएगा आपका, प्रेशर थर्स्ट ये पार्ट जो है ना वो हम आगे करेंगे, तो बस अभी इतना पार्ट याद रखिए ठीक है। तो कल मिलते हैं मोशन की क्लास के साथ, अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।